चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेडिंग ग्रीन इफेक्ट्स में स्वागत है। तो वीडियो को किस तरह से एडिटिंग करना है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको ये ऊपर पे जो कलर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आपको इस तरह का कलर पे ला करके इसको छोड़ करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से फ़ोटो ले लें, तो हम यहाँ से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाले फ़ोटो हम सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद इस फ़ोटो को यहाँ से बढ़ा देना है। इस तरह से बढ़ाने के बाद उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद इस फोटो को ऊपर कर देना है और ये फ़ोटो को नीचे कर देना है। नीचे वाले फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ये ऊपर वाले फ़ोटो है तो इसको थोड़ा सा भी छोटा करके इसको इस तरह से रख देते हैं। ये ऊपर वाले फ़ोटो पे जो क्लिक किया हुआ है तो उसके बाद आपको क्लिक करना है, नीचे लेके आना है, ये क्रॉपिंग पे क्लिक करना है तो इसको एनेबल कर देना है। इसको एनेबल करने के बाद आपको ये सेव पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ला करके दिल पे क्लिक कर देना है, इसको सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद फिर नीचे वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है और फिर से नीचे आना है, फिर से क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, इसको एनेबल कर देना है, सेव पे क्लिक करना है और इसको ये जो नीचे जो दिखाई दे रहा तारा जैसा है तो इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद और ये ओवरऑल एनिमेशन जो दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे पर ला करके ये रिंग जो दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस वीडियो को ये तीर जैसा जो दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करना है और वीडियो को यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है, इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से काइन मास्टर को ओपन करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से वॉलपेपर ले लेना है जो कि आप अपने फ़ोटो के पीछे पे सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से कोई एक वॉलपेपर चूज़ कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम एक वॉलपेपर चूज़ कर लिए। इसको साइज़ फिर मिला देते हैं, नीचे से कुछ इस तरह से मिला देना है। इसको मिलाने के बाद आपको वॉलपेपर पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके इसको मिला देना है, साइज़ बढ़ा देना है। साइज़ बढ़ाने के बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, फिर से मीडिया पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से फ़ोटो ले लेना है। अगर आप चाहते हैं तो अपने फ़ोटो सेट करने के लिए तो अपना भी कर सकते हैं या फ्रेंड्स का भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम दिखाने के लिए कोई फ़ोटो ले लेते हैं। तो हम यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। इस फ़ोटो को लेने के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इस फ़ोटो पे क्लिक करना है और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको इस तरह से ला करके ऊपर पे इस तरह से रख देना है। इस तरह से इसको रख दिए। रखने के बाद आपको ये ओवरऑल एनिमेशन जो दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करना है और नीचे पे ये प्लस जो दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से फिर से कोई एक फ़ोटो ले लेना। चलिए हम यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं। इस फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लें। फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद नीचे से पहले इसका साइज़ को मिला देना है। मिलाने के बाद इस फ़ोटो को छोटा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद फ़ोटो इस तरह से ऊपर पर इस तरह से रख देना है। आपको इस तरह से रखने के बाद ये जो चाबी जो दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा वीडियो को आगे लेके आना है। नीचे से आगे लेके आने के बाद इस फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर आपको रख देना है। रखने के बाद इस साइज़ को बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट करके बैठा दिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर से आपको ये जो बैठ गया तो बैठने के बाद इस थोड़ा सा वीडियो को आगे लेके आना है। उसके बाद फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है। आपको वीडियो को ले लेना है, वीडियो वो लेना है जो तभी सेव किए थे आप, वही वीडियो आपको लेना है अभी। तो चलिए यहाँ से हम वही वीडियो ले लेते हैं सेव किया हुआ। तो वीडियो लेने के बाद आपको ये देखिए नीचे लेके आना है, नीचे लेके आना है। ये क्रोमा के जो दिखाई दे रहा था इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद इसको एनेबल कर देना और इसको 50-50 कर देना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो इस फ़ोटो को इस तरह से छोटा करके आपको ला करके इसी पे रख देना है, इसी के ऊपर कुछ इस तरह से। इसको रखने के बाद आपको फिर से चाबी पे क्लिक करना है और वीडियो को थोड़ा सा आगे लेके आना है। वीडियो को आगे लेके आने के बाद नीचे से फिर से इस वीडियो को ला करके यहाँ पर रख देना है इस तरह से और इसका साइज़ को मिला लेना है, इस तरह से बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से।
देखिए हम मिला रहे हैं, आपको इसी तरह से मिलाना है, इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। अगर आप चाहे तो आप आराम से करके सीख सकते हैं, एक दो बार कीजिएगा तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो उसके बाद ये मिल गया, मिलने के बाद आपको ये वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके आना है। देखिए ये बीच में जो आया, तो इसके बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, फिर से मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक फूल लेना है, यहाँ से हम एक फूल ले लिए। फूल लेने के बाद इसका साइज़ को छोटा कर दिए और इसको हम यहाँ से इसको सेव करके इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख दिए। इसको रखने के बाद नीचे से इसका साइज़ को मिला लेना है। मिलाने के बाद ये ओवरऑल एनिमेशन जो दिखाई दे, तो इस पर क्लिक करना है। आपको ये नीचे जो लाना है, नीचे से ये रेंज जो दिखाई दे, तो इस पर क्लिक करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद, तो सेव होने के बाद आपको ये म्यूज़िक लेना है, तो इस पर सेव करना है ऑडियो। तो ऑडियो सेट करने के लिए ऑडियो जो दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से आपका मोबाइल पे जो जितना सारा ऑडियो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम कोई एक ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कोई एक ऑडियो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद चलिए हम आपको चला करके दिखाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.